अगर आज जो लोग इंदौर में दैनिक भास्कर पढ़ते हैं तो सुबह सुबह अगर उन्होंने अपना पेपर उठवाया होगा तो मधुरिमा के इस अंक के साथ आप चेक कर सकते हैं निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर आपको फ्री दिया है। सर अब इस बारे में आप क्या बात करेंगे, मैं को इस बात में कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि आप देखें, अगर अपन देखें तो निविया ने आज अपने मधुरिमा वाले पार्ट के साथ एक लिक्विड मॉइस्चराइजर सब लोगों तक फ्री पहुँचाया। अब सर ये क्यों पहुँचाया, इसके 3 से 4 कारण है अगर अपन ढंग से देखें, मैं निकालना चाहता हूँ इसको, निकलेगा वैसे तो। इससे सर क्या निविया ने कैसी मार्केटिंग करी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज नोन एज एथिकल मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एथिकल मार्केटिंग, सर एथिकल मार्केटिंग क्यों, पूरा देश कोरोना से ग्रस्त है, अब मोदी जी ने 21 दिन का कर्फ्यू लगा दिया है, तो एक तो सब लोग अपने अपने घर पे रह रहे हैं और सब लोगों को क्या की जरूरत है, सैनिटाइजर की, तो एक प्रकार से जो क्रीम है लिक्विड मॉइस्चराइजर है क्या ये सैनिटाइजर का भी काम करेगा, हाँ। इससे क्या निविया ने अपनी एथिकल मार्केटिंग कर दी, वेरी गुड। सेकेंडली इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग, निविया ने कहीं ये नहीं बोला कि आप निविया खरीदो या कुछ करो, उन्होंने पेपर के एक अंक के साथ अपना लिक्विड मॉइस्चराइजर लोगों तक पहुंचा दिया। अब इससे कस्टमर के दिमाग में इमेज क्या बनती है कि निविया एक अच्छी कंपनी है, निविया एथिकल कंपनी है, निविया कंज्यूमर के बारे में सोचती है, निविया सारा प्रॉफिट अपने पास ही रखती है, वो देश के लिए सोच रही है। जैसे अभी 2 दिन पहले अंबानी जी ने करा, तो अंबानी ने जो बोला कि वो 1 लाख मास्क बनाएगा, उन्होंने कोरोना का चलता फिरता वो हॉस्पिटल जो उन्होंने क्रिएट किया है मुंबई में, सर ये सब क्या होता है बेटा, ये सब भी एक प्रकार से सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का पार्ट होता है। 12th क्लास के BS में पढ़ा होगा आपने, MBA के सेकेंड ईयर में जो मार्केटिंग मास्टर्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा, और जो BBA कर रहे हैं, BBA कर रहे किसी बच्चे कॉलेज से, तो उनकी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, कि अगर आप अपने कस्टमर को खुश रख रहे हैं तो डेट ओनली वॉट नॉट हेल्प, आपको सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी ब्रांडिंग हो, जैसे बिरला हो गया, टाटा हो गया, इवन रिलायंस हो गया। अभी अगर अपन फोकस करें निविया के बारे में, तो निविया ने अपना इस कोरोना के टाइम पे, अब इसी कहां कहां पे निविया आपको अटैक कर रहा है, निविया को पता है कि आज जितने भी लोगों घर में अखबार आता है सब लोग घर पे ही हैं, बाहर कोई जा नहीं सकता, तो जैसे ही वो इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो निविया ने एक प्रकार से इनडायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग भी कर दी। अगर निविया ये सिर्फ एक पेज छपवाता मधुरिमा के अंक में, ये अगर मेन भास्कर के पेज में अगर एक अंक छपवाता तो हो सकता है एक पेज की कॉस्ट 5 लाख 10 लाख है, लेकिन उसने कुछ नहीं करा, मेन भास्कर में कोई पेज नहीं दिया, एक छोटे से अंक में अपने निविया के साथ ये क्रीम दे दी। अब इस क्रीम की कॉस्ट निविया को कितनी पड़ी होगी, हमको ये बाहर दिखा रहा है 15 रुपीज़, लेकिन 15 रुपीज़ में तो बहुत सारी कॉस्ट एडेड है, रीसेलर मार्जिन एडेड है, GST एडेड है, निविया को उसके अंदर का जो एक्चुअल मॉइस्चर उसकी कॉस्ट 1 या 1.5 या 2 रुपये पड़ी होगी जो कंपनी में बनाता है। निविया ने वो आप सब तक, अगर ये अंक 5 लाख लोगों तक, 5 लाख अखबार अगर एक दिन में छपते हैं और 5 लाख अखबार एक दिन में लोगों तक पहुँचते हैं, more than 5 lakhs, उसने हर जगह अपनी ये क्रीम पहुँचा दी, और क्रीम पहुँचा के सब लोगों को आने वाले 21 दिन तक ये फोकस कर दिया कि अगर अब आपको कोई मॉइस्चराइजर खरीदना है, कोई सैनिटाइजर खरीदना है और ख़ुद की सेफ्टी की भी ज़रूरत है, तो गो थ्रू निविया। एक तरफ से एथिकल अपनी ब्रांडिंग कर दी, ब्रांड इमेज क्रिएट कर दी, और ब्रांड जो लोग ऑलरेडी निविया लेते थे उनके लिए ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर दी। सो दिस इज़ नोन एज मार्केटिंग कंसेप्ट। थैंक यू सो मच, आप भी निविया बाय करिए।